राहुल गांधी जी अगर बार बार ये कहते हैं कि सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स में ओबीसी के 90 में से मात्र 3 हैं, तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपको सच्चाई से वाकिफ करवाना चाहते हैं। आईएएस में अगर लोग पहुंचते हैं तो आरक्षण का प्रावधान है, उसके कारण वे आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं। यूपीएससी, जिसमें मनोज सोनी आप जानते हैं पूजा खेड़कर मामले के कारण वो 5 साल पहले ही रिजाइन कर चुके हैं यूपीएससी के चेयरमैनशिप से। और क्यों किया है उन्होंने? और वहां पर भी लैटरल एंट्री की ही तरह बैकडोर एंट्री करवाकर पूजा खेड़कर को कौन लेके आया? इसका मतलब है दाल में कहीं काला है। और यहाँ पे मैं मनोज सोनी जी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनका आरएसएस और भाजपा से बहुत गहरा संबंध है, यानी कि हर संस्था पे कब्जा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। 2017 से 2021 के बीच 52 लैटरल एंट्रीज करवाई गई थी, और जो आईएएस की पोस्ट होती है खास करके ज्वाइंट सेक्रेटरीज की, उसमें 52 ऐसे पोस्ट थे जिसमें रिजर्वेशन नहीं, डायरेक्टली आपने एंट्री दे दी तो जो आपके संघ के लोग हैं उनको आपने सिस्टम के अंदर कर दिया। माधुरी पुरी बुच जो सेबी की अध्यक्षा है, वो भी पहली और एकमात्र ऐसी सेबी चेयरमैन है जो लैटरल एंट्री के माध्यम से आई हैं, और वो आईएएस ऑफिसर नहीं थी। मतलब यूपीएससी अगर बनाया गया है तो उसे खत्म करने की कोशिश तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी करेगी ही, क्योंकि याद दिलाता है ये सब उनको नेहरू जी की, और उनसे तो इनका आप जानते ही है कि किस तरह का प्रेम है। अब राहुल गांधी जी ने जो लिखा है लैटरल लेवल एंट्रीज के बारे में वो मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन उसके पहले आपको याद करा देती हूँ कि ना केवल 2017 से 2021 के बीच में 52 लैटरल लेवल एंट्रीज के माध्यम से भर्ती करी गई, नियुक्ति करी गई, परंतु अभी हाईकोर्ट का जो निर्देश आया है, आदेश आया है, जिसमें 69,000 जो नियुक्तियां हुई थी उसमें रिजर्वेशन को ताक पे रख के करा गया, वो कैंसिल हो गई, वो दोबारा से करनी पड़ेगी। तो ये बता रहा है कि राहुल गांधी की हर बात सच है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेंगे तो वो आपको बार बार बताएंगे। और 4 जुलाई 2019 को संसद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री थे भाजपा के, उन्होंने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी ऐसे ही आए, उसमें मोंटेक सिंह आलूवालिया भी ऐसे ही आए। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि पूरे सिस्टम को ही आप खत्म कर देंगे। 45 इस वक्त जो निकाली गई है नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा, उसमें 45 नए लैटरल लेवल एंट्रीज। अब इसमें देखिए कि जो लोग 1994 के आसपास आईएएस में आए होंगे उनकी नौकरी को करीबन 30 साल हो गए होंगे, और बहुत कम उनमें से अगर बचे तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं, वो चीफ सेक्रेटरीज बन सकते हैं, लेकिन ये लैटरल लेवल एंट्री करके उनकी जगह को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ये संघ के लोगों को लाना चाहते हैं। और इसका विरोध जो है वो आरजेडी और बसपा ने भी किया है। आरजेडी तो भाजपा की एलाय है। राहुल गांधी जी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। और ये तो बात सच है, और शायद भाजपा ने सोचा होगा और नरेंद्र मोदी जी ने सोचा होगा कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो संघ की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको समझ में आया होगा, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पे किसी को भी भर्ती कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना तो उन्हें पता है कि यूपीएससी जो है उसमें पूरे देश से जो लोग होते हैं वो इम्तिहान देकर एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं। आगे लिखते हैं राहुल गांधी, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीना जा रहा है। यहाँ पे आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मुझे मिली थी जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से जो बच्चियां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की होती हैं उनको स्कूल छोड़ने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, मोदी सरकार ने उसमें 99.1% की कटौती करी है, और 100 में से 20 स्टूडेंट इसी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं कि उन्हें स्कूल ले जाने वाला या स्कूल जाने के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं होता। ये पुरानी खबर है और करीबन 3 साल पुरानी खबर है, लेकिन मोदी सरकार एससी एसटीज पर बार बार प्रहार करती रही है, और इस बार चुनावों के पहले जब संविधान की रक्षा की बात हुई तब
आरक्षण का मुद्दा सामने आया और भारतीय जनता पार्टी उसमें बैकफुट पे रही। लेकिन नौकरियों में, नियुक्तियों में यहीं तो आरक्षण का प्रावधान काम आता है ना। लेकिन अगर आप लैटरल लेवल एंट्री कर रहे हो उसमें कहीं पर आप जो एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज इनके लिए प्रावधान ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो साफ है कि आप आरक्षण पर प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लैटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवकों के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। और ये बात इस तरह से समझिए कि जिन्होंने, जैसे मैंने आपको कहा 94-96 में जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया होगा, आईएएस ऑफिसर बने होंगे, और रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हमेशा आती हैं उनके लिए, खास करके जो पिछड़े होते हैं। लेकिन उनके अलावा भी बाकी लोग भी जो है उनके ऊपर भी तो प्रहार हो रहा है, क्योंकि अब वो मौका आया है जब वो ऊंचे वाले पदों पर पहुंच सकते हैं। आईएएस के लिए जो ऊंचे पद हैं वो क्या होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी है, किसी जगह पर किसी कमीशन में उनको एक पोस्ट मिल सकती है, लेकिन उसी पर तो प्रहार है जब लैटरल लेवल एंट्री से बिना आरक्षण के आप किसी को भी अंदर लाएंगे और उनको उस पोजीशन पे बैठा देंगे। तो जिसने पूरी जान लगा दी, पूरा अपना जीवन लगा दिया सरकार की सेवा करते हुए, जनता की सेवा करते हुए, उसको अब वो मौका नहीं मिलेगा, उससे वो मौका छीन लिया जाएगा। उसमें सब आते हैं जितने आईएएस ऑफिसर्स होंगे। अब यहाँ पर जो लोग यानी कि तैयारी आज भी कर रहे हैं उनको उनके ऊपर भी प्रहार है, क्योंकि ये सिस्टम बनाने की ओर एक कदम है और बाद में इसको सिस्टम का ऐसा हिस्सा बना दिया जाएगा जो नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन जो दोष है वो आप पिछली सरकारों को देंगे, और अगर आप देना भी चाहते हैं तो भी अगर विरोध है तो सरकार आपकी है, आपको सुननी पड़ेगी बात और वो करना पड़ेगा जो जनता चाहती है, क्योंकि सरकार जनता की होती है, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही होती है। राहुल गांधी जी आगे लिखते हैं, चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। ये राहुल गांधी जी भी माधुरीपुरी बुच के बारे में बात कर रहे हैं। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। मोदी जी की ये गारंटी के बारे में राहुल गांधी जी बार बार कहते रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने देखा कि पूजा खेडकर का मामला जब सामने आया तो मनोज सोनी, जो भाजपा और संघ के बेहद करीब है, अपनी रिटायरमेंट के 5 साल पहले रिजाइन कर देते हैं, और ये बताता है कि जब फंस गए तो हट गए। लेकिन इससे एक और चीज पता चलती है कि अगर ऐसा समय आएगा कि आप आए, जैसे माधुरीपुरी बुच का एग्जांपल लेते हैं, आए उसके बाद उनको निकालना आसान है, लेकिन तब तक तो जो कारनामा उन्होंने करना था वो कर चुके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही किसी की नहीं होगी जब लैटरल एंट्री से आप इन नियुक्तियों को करेंगे। तो सरकार यही करना चाहती है, क्योंकि कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं चाहती है। इसके खिलाफ आवाज को बुलंद करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक इस पर बात करिए। विपक्ष इस बात को उठा रहा है क्योंकि आपके अधिकारों की रक्षा कर रहा है, कि आज आप तैयारी करके यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बन जाए, उसके बाद कुछ वर्षों के बाद आपसे कहा जाए नहीं नहीं आप हटिए, हम अपने लोगों को ला रहे हैं। मोदी जी के लिए ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि जिन लोगों को आप कंट्रोल करना चाहते हैं उनको आप लेके आएंगे। अब देखिए 2021 से 2024 क्योंकि अब कमजोर हो चुकी है ये सरकार, इसलिए ये कार्य इस तरीके से करने की दोबारा से कोशिश करी जा रही है। लेटरल एंट्री का विरोध पूरी तरह से जारी है, विपक्ष विरोध कर रहा है, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एनडीए के एलाइज जो हैं उनमें से आरजेडी पहली पार्टी है जिन्होंने खुलकर विरोध कर दिया है, बसपा भी इनका विरोध कर रही है, आगे आने वाले समय में इनके एलाइज में से भी लोग आगे आएंगे अगर वो सचमुच में भारत से प्रेम करते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो कमेंट करिएगा, नहीं लगी होगी तो अपनी बात को ज़रूर कहिएगा, और
कम से कम देश के बारे में सोचिए, आने वाले समय के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि हाँ जो मोदी जी कर रहे हैं वही सही है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, जरूरी है ताकि आपके आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। ये सिस्टम्स आपके हैं। एक लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब वो आपके लिए कार्य करता है, आपके द्वारा बनता है और आप उसमें गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं।